राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह की बर्बरता के साथ कन्हैया लाल की हत्या की गई है, उसके विरोध में न केवल हिंदू संगठन बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी उतर आए हैं। रेवाड़े में मुस्लिम समाज के लोगों ने कन्हैया लाल की फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का अधिकार किसी और को भी नहीं है और ऐसे दरिंदों को फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद मुआज़्ज़म है, मैं इमाम हूँ यहाँ रेवाड़ी में, और जो ये उदयपुर में घटना हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से, और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहे, इस वजह से ऐसे शैतानों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा जी कि ऐसे आदमी जो आदमी नाजायज किसी आदमी के साथ में बर्ताव करे या किसी के दुश्मन तरीके से आदमी को मार काटे तो ये बहुत गलत बात है, और मैं अपने मुसलमानों की तरफ से इस बात को कहता हूँ कि ऐसे आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाना चाहिए और इसको फांसी होनी चाहिए। मैं यहाँ मस्जिद में एक इमाम हूँ, सबसे पुराना इमाम हूँ मैं यहाँ। मैं इस वाक़े की भरपूर निंदा मजम्मत करता हूं और मैं ऐसे शैतान लोगों के लिए अपने समाज की तरफ से फांसी की मांग करता हूं, जो समाज को बांटने, समाज में घृणा फैलाते हैं, समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों को फांसी से कम की सज़ा ना हो। मैं अपने समाज की तरफ से ये मांग करता हूं कि इन शैतानों को फांसी की सज़ा हो। जो उदयपुर में एक निहत्ते टेरर के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। मैं रेवाड़ी के तमाम मुसलमानों की तरफ से इस कातिलाना हमले की निंदा करता हूं। ऐसे सांपों का मुंह कुचल देना चाहिए जिनकी वजह से समाज और भाईचारा ख़राब होता है। जिस बात को लेकर इन्होंने उसका कत्ल किया है, हज़रत मोहम्मद साहब खुद दुश्मन को माफ़ करने वाले थे। कुरान में, इस्लाम में इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं है किसी को भी जो इस तरीके से किसी निहत्ते आदमी का कत्ल करे। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं और राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे इंसान को फांसी की सज़ा हो, यही हमारी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत। दरअसल कन्हैया लाल की हत्या के बाद देश भर में बवाल सा मचा है। हिंदू संगठन लगातार सड़कों पर उतरते हुए इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं अब मुस्लिम समाज के लोग भी कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए सामने आने लगे हैं। रेवाड़ी में मुस्लिम समाज के लोगों ने कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग की है और साथ ये भी कहा है कि ऐसे दरिंदों को सजाए मौत से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।